जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा विभिन्न विभिन्न लग्न कुंडलियों में हमारे इष्ट ग्रह को लेकर के चल रही है कि हमारे इष्ट देवता कौन से बनते हैं और इष्ट ग्रह कौन से बनते हैं। आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ, कल तक हमने बात की थी सिंह लग्न की कुंडली में, जहां पंचमेश आपके बृहस्पति देव बने थे, आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली। कन्या लग्न की इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर कन्या राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बुध देव माने जाते हैं। इस लग्न कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। पंचम भाव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी संतान का, हमारे पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का, हमारी माइंड विल पार मेमोरी पार का, और शनिदेव को साथ में छठे भाव का मालिक बनाया बुध देव ने। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन का डिपार्टमेंट भी शनिदेव को मिला। लेकिन प्रिय दर्शकों, शनिदेव की साधारण राशि पंचम भाव में आई तो हर कन्या लगन वाले जातक को शनिदेव की आराधना करना सदैव लाभान्वित होता है, क्योंकि हर कन्या लगन वाले जातक का इष्ट ग्रह जो बनता है वो शनिदेव बनते हैं, या शनिदेव के गुरु जो हैं वो भोलेनाथ बनते हैं, शिवजी बनते हैं। तो शिवजी की आराधना करना या डायरेक्टली शनिदेव की आराधना करना हर कन्या लगन वाले के लिए सदैव लाभान्वित होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कई एपिसोड्स में समझाता चला आ रहा हूं प्रिय दर्शकों, के पंचम भाव का स्वामी आपका इष्ट ग्रह बनता है। अगर पंचम भाव के स्वामी की आप पाठ पूजन का, सिमरन का, व्रत का, आरती का, नमन का रोजाना आदत डालते हैं, तो जितनी मर्जी खराब ग्रह की दशा चल रही हो, आपके इष्ट ग्रह का किया हुआ पाठ पूजन सदैव आपको बचने का रास्ता देता है और कहीं ना कहीं आपको बुरा प्रभाव दूर करने में मददगार जरूर सिद्ध होता है। तो बात कर रहे थे प्रिय दर्शकों कन्या लग्न की। कन्या लग्न में इष्ट ग्रह जो बने वो शनिदेव बने। हर कन्या लगन वाले जातक के लिए शनिदेव की पूजा उपासना करना सदैव लाभान्वित होता है। अगर रोज रात को सोने से पहले ओम शनि नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः की एक माला, या शनि चालीसा, या शनि महिमा, या शनि स्तोत्र, कुछ भी पाठ पूजन करने की आदत रात को सोने से पहले डाल लेंगे, तो जितनी मर्जी खराब दशा आपकी चल रही हो वो कहीं ना कहीं बचने का रास्ता आपको अवश्य देगी। तो अलग अलग भावों में इनकी क्या स्थिति होती है, आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देता हूं, ताकि आप समझ पाएं कि इसके रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं आपकी कुंडली में। प्रिय दर्शकों, अगर आपका पंचमेश यानी शनिदेव अगर लगन में ही बैठे हों, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही आ गया, अगर लगन में ही शनिदेव बैठे होंगे तो सदैव आपके लिए लाभान्वित होंगे। जातक बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय होगा, जातक माइंड और विल पावर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसे लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, संतान सुख से परिपूर्ण होगा, विल पावर स्ट्रांग होगी, अनसर्टेन गेन होने का शनिदेव उसे रास्ता अवश्य देंगे। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से सदा सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएँ होंगी तो उसमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक को मेहनती जातक अवश्य बना देती है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो पार्टनरशिप में अच्छा करेंगे शनिदेव, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे हुए, डेली वेजेस के नित्य नवे रास्ते खोल करके सप्तम भाव संबंधी पूर्णता एडवांटेज देते मिलेंगे। शनिदेव ने दशम दृष्टि जो दशम भाव पर डाली, क्योंकि प्रिय दर्शकों शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, अपने से तीसरे भाव पर पूर्ण प्रभाव डालते हैं, अपने से सप्तम भाव पर पूर्ण प्रभाव डालते हैं, और अपने से दशम भाव पर भी पूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो तीसरी दृष्टि डली तीसरे भाव पर, सातवीं दृष्टि डली सातवें भाव पर, और दसवीं दृष्टि डली दशम भाव पर। तो दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि शनिदेव की सदैव लाभ देती मिलेगी। जातक का कामकाज बुद्धि से जुड़ा होगा, जातक का कामकाज ज्ञान से जुड़ा हो सकता है, जातक का कामकाज शनिदेव की चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है, मेटल से, ऑयल से, केमिकल से, इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है। जातक बहुत ज़्यादा अच्छी गजटेड पोस्ट पर भी जाने की काबिलियत अपने अंदर रखता है, शनिदेव उसे सदैव सपोर्टिव पिलर मिलते हैं। तो लगन में पड़े हुए शनिदेव
चौतरफा लाभ जहां जहां दृष्टि डालेंगे अवश्य देंगे, और शनिदेव की दशम दृष्टि जो कामकाज पर डली तो कामकाज को बढ़ोतरी करने में शनिदेव की दशांतरा सदैव एडवांटेज देती मिलेगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, एडवांटेज उतने ही मिलेंगे जितने डिग्री वाइज शनिदेव में क्षमता हुई। अगर शनिदेव यहाँ शून्य डिग्री पड़े हुए और आपने सोच लिया जी इसकी तो दशम भाव पे दशम दृष्टि पड़ रही है, लेकिन आपके रिजल्ट में वो नील रिजल्ट देते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें डिग्री वाइज क्षमता ही नहीं है। अगर डिग्री वाइज क्षमता आपको सही दिशा में देखने आ गया तो कभी विवेचन करने में कभी गलती ही नहीं करेंगे। उतने प्रतिशत रिजल्ट आप खुद तय कर सकते हैं जितनी उसमें क्षमता हुई। दर्शकों, बात करते हैं अगर शनि देवता दूसरे घर में विराजमान हुए कन्या लग्न में। शनिदेव तुला राशि के उच्च के माने जाते हैं जो आजकल भी गोचर में चल रहे हैं। शनि देवता दूसरे भाव में उच्च के होंगे। जब भी शनि की दशा अंतर दशा चलेगी सदैव जातक को चौतरफा लाभ देगी। परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होगा। जातक की वाणी एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी की तरह न्यायप्रिय वाणी सामने आएगी और जातक को धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। ऐसे जातक का कहीं ना कहीं लॉटरी निकलने का योग भी अवश्य बनता है जिनके दूसरे हाउस में उच्च के शनिदेव पड़े होंगे। उसकी दशा अंतरा पत्यंतरा में आया और उस जातक को कहीं ना कहीं अनसर्टेन गेन्स का योग भी शनिदेव अवश्य बनाते हैं। यहां से शनिदेव ने तीसरी दृष्टि जो चौथे भाव पर डाली, माता गाड़ी भूमि वाहन मकान जिस भी जातक का बनने वाला हुआ अगर शनिदेव में डिग्री वाइज बलाबल आ गया तो चौथे भाव पर दृष्टि डालकर चौथे भाव संबंधी सारे लाभ उस जातक को अवश्य अर्जित करवा देंगे। यहां से शनिदेव ने सातवीं दृष्टि जो आठवें भाव पर डाली तो अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान के चक्षु से, अपनी मेंटल विल पावर से अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत शनिदेव अपने अंदर अवश्य डिवेलप कर देते हैं। यहाँ से दशम दृष्टि जो लाभ पर डाली, दशम दृष्टि लाभ पर डाली हुई कहीं ना कहीं बड़े भाई बहन की सपोर्ट दिलवाती है। लाभ की कमी जल्दी कभी नहीं आती और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स हों तो वो चली अवश्य जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों के दूसरे भाव में आए हुए शनि देवता उच्च के सदैव आपको लाभ देते मिलेंगे, सदैव आपको एडवांटेज देते मिलेंगे। जहां पर बैठेंगे वहां भी एडवांटेज, जहां दृष्टि डालेंगे वहां भी एडवांटेज देंगे, क्योंकि वो एक त्रिकोण के स्वामी है यानी योग कारक ग्रह है। और योग कारक की डेफिनेशन मैं पहले भी आपको समझाता चला आया हूं, जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। अगर आप योग कारक की ये डेफिनेशन समझ लेंगे तो कुंडली विवेचन करने में बहुत ज्यादा आपको आसानी रहेगी। दर्शकों, अगर शनिदेव तीसरे भाव में पड़े हुए शनिदेवता छोटे भाई बहन की सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो उसमें लाभ अवश्य होगा। छोटी मोटी यात्रा करके लाभ करने के साथ साथ जितनी मेहनत करेगा उतना जातक को रिजल्ट अवश्य मिलेगा। यहां से तीसरी दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली, जातक का भागदौड़ बुद्धिबल बाहुबल से जुड़ा हुआ होगा। जातक का एक ज्ञानवान पर्सनैलिटी होगा, वो जातक एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बन के सामने आएगा। पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि लवर मास में कामयाबी देगी, अनसर्टेन गेंस देगी और संतान सुख से भी परिपूर्ण करने में मददगार जरूर सिद्ध होगी। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता की केयर करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा और कहीं ना कहीं रिसर्च में रुचि रखने वाला भी अवश्य होगा। यहां से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो बारहवें भाव पर डाली हुई दृष्टि विदेश यात्रा भी करवाएगी। अस्पताल का खर्चा हुआ तो वो भी बंद होगा और छोटी मोटी यात्राएं करने के बाद फजूल के व्यय में भी कमी लाने की काबिलियत शनिदेव दसवीं दृष्टि डालकर अपने अंदर अवश्य रखते हैं। दर्शकों, मान लीजिए शनिदेव चौथे भाव में विराजमान हुए, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आना, त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में आना एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। अगर शनिदेव चौथे भाव में हुए अपनी दशा अंतर दशा में मकान गाड़ी भूमि वाहन इन सब चीजों को लेने में सदैव मददगार सिद्ध होंगे। माता से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगी, माता की जातक बहुत ज्यादा केयर करने वाला होगा। यहां से शनिदेव ने जितनी तीसरी दृष्टि छड़े बाप पर डाली तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा से फारिग करके कंपटीशन में जितवा करके
हाउस ऑफ कंपटीशन में एडवांटेज दिलवा करके, कोर्ट केस में भी एडवांटेज दिलवा करके, कोर्ट केस जितवा करके, जातक की फेवर में जा करके शनिदेव की दशांतरा उसे लाभान्वित अवश्य करती है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज के लिए अच्छा, कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा, कामकाज ज्ञान से जुड़ा होगा, कामकाज न्याय से जुड़ा हुआ हो सकता है, कामकाज शनिदेव की कारक चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है, लोहे से, केमिकल से, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है, और उसमें शनिदेव की दशांतरा चल रही है, आपको सदैव लाभान्वित करती मिलेगी। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो लगन पर डाली, लगन पर डाली हुई शनिदेव की दृष्टि जातक को कहीं ना कहीं एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना देती है। जातक कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, जो सच है उसे सही कहता है, जो गलत है उसे सदैव गलत डिफाइन करता मिलता है, क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। प्रिय दर्शकों, तो सब कन्या लगन वाले अगर शनिदेव की उपासना करें तो उनके लिए सदैव एडवांटेज मिलता है। इस बात का एडवांटेज मिलता है कि वो कभी जीवन यापन में कोई किसी का पक्षपात नहीं करता, सदैव सच का साथ देते हैं, और उनका सच का साथ दिया हुआ उनकी बुरी दशा में भी उनके बचने के लिए एक रास्ता उन्हें अवश्य दे देता। वैसे भी प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पूरी सृष्टि के न्याय चक्र के देवता शनिदेव माने जाते हैं। आप अपने जीवन यापन में जितना भी अच्छा या बुरा या दुख, तकलीफें, क्लेश, परेशानियां, मान, यश, इज्जत जो भी आपको मिलता है, आपके पिछले सारे संचित कर्मों का कहीं ना कहीं फल होता है, जिसका लेखा जोखा शनिदेव के पास होता है, और शनिदेव अपने न्याय चक्र में उन्हीं चीज़ों का बैलेंस बनाते हुए इस जन्म में आपको प्रोवाइड करते हैं। मेरी वैसे भी इनके पाठ में बहुत ज़्यादा आस्था रही है शुरू से ही, और शनिदेव का न्याय चक्र में आना, शनिदेव का एज अ जज की पदवी भी इन्हें इसीलिए मिली है, क्योंकि ये जो भी जन्म आपको मिला है वो आपके पिछले सारे संचित कर्मों का अच्छा या बुरा फल आपको देने में शनिदेव बाध्य होते हैं। और कुंडली में अगर अच्छे भाव में, अच्छी जगह में, प्लेसमेंट में होंगे तो अपनी दशा, अंतरदशा में सदैव आपको लाभान्वित होते मिलेंगे। कन्या लगन में वो एक योग कारक ने माने जाते हैं, क्योंकि पांचवें भाव के मालिक हैं। शनिदेव की साधारण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई है, तो अगर अच्छी जगह में प्लेसमेंट में हुए तो वहाँ भी लाभ देंगे, और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ेगी, शनिदेव की 3, 7 और 10 दृष्टि होती है, वहाँ वहाँ भी वो लाभान्वित करते ही मिलेंगे। तो कन्या लगन वाले अपने इष्ट देव का नाम नोट कर लें, शनिदेव उनके इष्ट देव बनते हैं, शनिदेव की पूजा आराधना करना सदैव आपके लिए लाभान्वित होगा। हर बुरी ग्रह की दशा में आपको ये पाठ किया हुआ बचने का रास्ता अवश्य देगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। आजकल आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में जैसे कि बरकत की कमी रहती है, वैसा ही घर में छोटी मोटी बात पे रिलेशंस में बिगाड़ भी बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि हर एक की सोच का तरीका अलग अलग होता है। एक घर में 4 प्राणी हैं, तो 4ों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। ऐसे सभी जातकों के लिए जिनमें रिलेशंस में, घर में मनमुटाव बना रहता हो, उन सब के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी घर में खट्टे पौधे ना लगाएं। नींबू का पौधा, गलगल का पौधा या कैक्टस का पौधा, जिनमें फूल ना आते हों, अगर कैक्टस के पौधे में फूल आते हों तो घर में लगाया जा सकता है, अगर फूल ना आते हों, सिर्फ कांटे ही हों, तो वो घर की अशुभता की बढ़ोतरी करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, और वो आपके लिए नुकसानदेह होता है आपके रिलेशन में, उसके लिए सदैव दिक्कत परेशानियों को बढ़ोतरी करने में मददगार सिद्ध होता है। खट्टे पौधे और कांटेदार पौधे अपने घर में कभी ना लगाएं, वो रिलेशंस को बिगाड़ने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए शनिदेव से ही मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.